नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके विद्यालय के कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के ST व SC विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु MP टास्क पोर्टल पर आवेदन करना है। MP टास्क पोर्टल पर आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों को MP टास्क पोर्टल पर प्रोफाइल बनाना आवश्यक है। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के ST SC के विद्यार्थी MP टास्क पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएं और छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपके विद्यालय के किन किन विद्यार्थियों ने MP टास्क पर अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया है और किन किन विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है, इसकी पूरी सूची हम किस प्रकार से निकालेंगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। MP टास्क पोर्टल पर आपके विद्यालय के उन विद्यार्थियों की सूची जिन्होंने MP टास्क पोर्टल पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया है या छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है, उनकी सूची निकालने के लिए सबसे पहले आपको MP टास्क पोर्टल के लॉगिन पेज को ओपन कर लेना है। आपको इस लॉगिन पेज पर नोडल अधिकारी के लॉगिन ID व पासवर्ड से लॉगिन करना है। नोडल अधिकारी का लॉगिन ID, पासवर्ड व कैप्चा कोड एंटर कर आपको लॉगिन बटन को क्लिक कर देना है। लॉगिन करने पर नोडल अधिकारी का MP टास्क डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको जो PMS रिपोर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक करने पर इसमें UDICE रिपोर्ट को क्लिक करना है। UDICE रिपोर्ट को क्लिक करने पर जो पेज ओपन होता है उसमें आप देखेंगे कि UDICE स्कूल रिपोर्ट इंटर फुल UDICE कोड, यहाँ पर आपको आपके विद्यालय का UDICE कोड इंटर कर देना है और गेट डिटेल बटन को क्लिक करना है। जैसे ही हम गेट डिटेल को क्लिक करते हैं तो हमारे विद्यालय का नाम व उसका संकुल का नाम यहाँ पर दिखाई देता है और एक नीचे ऑप्शन दिखाई देता है व्यू स्टूडेंट डेटा, हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने पर हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की सूची यहाँ पर दिखाई देती है। आपको यहाँ पर जो शो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके सामने जो 10 दिखाई दे रहा है इसको चेंज करके अधिकतम आपको 1000 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों की सूची यहाँ पर दिखाई देती है। चूँकि MP टास्क पोर्टल द्वारा जो डेटा लिया गया है वह शिक्षा पोर्टल से लिया गया है, तो शिक्षा पोर्टल में जिन विद्यार्थियों की मैपिंग हमारे द्वारा की गई है उन्हीं विद्यार्थियों के नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि विद्यार्थी का नाम दिखाई देता है, उसकी जाति, उसकी कक्षा और इसके बाद प्रोफाइल क्रिएटेड ऑन MP टास्क। आप देखेंगे कि कुछ विद्यार्थियों के सामने यस दिखाई दे रहा है और कुछ विद्यार्थियों के नाम के सामने नो दिखाई दे रहा है। जिन विद्यार्थियों के सामने नो दिखाई दे रहा है इसका मतलब इन विद्यार्थियों के द्वारा MP टास्क पोर्टल पर अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाई गई है। इस सूची में जिन विद्यार्थियों ने MP टास्क पोर्टल पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे विद्यार्थी आपके विद्यालय की एडमिशन सूची में भी नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद NPCI स्टेटस इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI स्टेटस इनएक्टिव लिखा है, इसका मतलब विद्यार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, अर्थात इसमें DBT सक्रिय नहीं है। इसके बाद आपको स्कॉलरशिप अप्लाइड, इसके सामने कुछ विद्यार्थियों के सामने यस दिखाई दे रहा है और कुछ के सामने नो दिखाई दे रहा है। जिन विद्यार्थियों के नाम के सम्मुख नो दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उन विद्यार्थियों द्वारा अभी तक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया गया है। यहाँ पर जो सूची दिखाई देती है वह सूची आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की सूची दिखाई देती है, जिसमें ST SC के विद्यार्थियों के अलावा अन्य विद्यार्थियों के नाम भी दिखाई देते हैं। चूँकि MP टास्क पोर्टल पर ST व SC के विद्यार्थियों द्वारा ही आवेदन किया जाना है, इसलिए हमें विशेषकर इन्हीं विद्यार्थियों की जानकारी देखना है कि इनके द्वारा MP टास्क पोर्टल पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया गया है अथवा नहीं, एवं छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया गया है या नहीं। आप इस सूची को एक्सेल के फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर जो एक्सेल ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने पर यह फाइल एक्सेल फाइल के रूप में डाउनलोड
हो जाती है। इस डाउनलोडेड एक्सेल फाइल पर आप जातिवार सॉर्टिंग करके अथवा फिल्टर लगाकर एसटी व एससी के विद्यार्थियों का प्रोफाइल व स्कॉलरशिप स्टेटस यहां से आसानी से देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि आप किस प्रकार से जानेंगे कि आपके विद्यालय के किन किन एसटी व एससी के विद्यार्थियों ने एमपी टास्क पोर्टल पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया है एवं छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।